दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं अगर आपके घर में भी फर्स्ट एड किट है तो उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स आपको रखने चाहिए, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आपके लिए होने वाला है और बहुत ही यूजफुल भी होने वाला है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। अपने फर्स्ट एड बॉक्स में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मिल्टन का मेरे पास फर्स्ट एड बॉक्स है और इसका वीडियो भी हमने अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो अगर आप उसकी वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, और इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसको ऑर्डर भी कर सकते हैं हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। तो इस फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर मैंने क्या क्या चीजें रखी हैं और क्या क्या मस्ट हैव होते हैं अगर आपके घर में फर्स्ट एड बॉक्स है, कौन कौन सी चीजें उनमें होना जरूरी है, इस वीडियो के अंदर मैं पूरा डिस्क्राइब करके आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले एक बार ओपन करके मैं आपको दिखाता हूं। तो इसमें मैंने दो सेगमेंट रखे हुए हैं, ऊपर की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पे मैंने ये मेडिसिन का सेगमेंट रखा हुआ है और नीचे की तरफ बाकी सारी चीजें हैं। तो मैं नीचे से स्टार्ट करूंगा और उसके बाद हम मेडिसिन पर आएंगे। तो सबसे पहले इस ट्रे को मैं हटा देता हूं जिसमें मैंने मेडिसिन रखी हैं। जो नीचे वाली चीजें हैं वो मैं सबसे पहले आपको एक बार दिखा दूंगा और बाद में हम जो ये सारी मेडिसिन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी मेडिसिन आपके घर पर होनी चाहिए आपके फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर। तो सबसे पहले अगर बात करें आपके घर में जो भी फर्स्ट एड बॉक्स है उसके अंदर एक आपके पास कॉटन जरूर होनी चाहिए। कई बार चोट वगैरह लग जाती है और खून वगैरह बहने लगता है तो उस टाइम पर आपको एक कॉटन होना आपके पास बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसकी मदद से आप जो है उसकी ड्रेसिंग वगैरह कर सकते हैं और खून को रोका जा सकता है। तो ये एक मस्ट हैव है आपके फर्स्ट एड बॉक्स में। दूसरी चीज़ आपके जो फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर होनी चाहिए वो है ये पट्टी। आपको ही पता है अगर चोट वगैरह लगती है तो जैसे आप उसके ऊपर रुई वगैरह लगाते हैं, उसके ऊपर कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं, उसके बाद आपको ये पट्टी चाहिए जिससे कि आप उसको रैप कर सकते हैं और उसके बाद आप किसी डॉक्टर वगैरह को दिखा सकते हैं उसके बारे में। तो ये पट्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ चलते हैं अगली चीज़ की तरफ, ये है डिटॉल। डिटॉल की एक छोटी बोतल आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चोट को लगने पे या कटने या छिलने पे आप डिटॉल वगैरह जो है ये लगा सकते हैं। एंटीसेप्टिक तो होता है जिसकी मदद से आप जो भी हमारी चोट वगैरह है उसको साफ कर सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं, एक थर्मामीटर आपके जो फर्स्ट एड बॉक्स में वो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई बारी रात बरात हमारे को फीवर वगैरह हो जाता है तो उस टाइम पर हमें फीवर को अगर मेजर करना हो तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, इस एक थर्मामीटर की मदद से हम बहुत इजीली उसको नाप सकते हैं। और मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप डिजिटल वाला जो थर्मामीटर है जो आजकल नॉर्मली हमारे केमिस्ट की शॉप पर मिल जाता है उसको लें, क्योंकि उसमें हर कोई आराम से पढ़ सकता है कि टेम्परेचर कितना है। ये चीज़ हम चलते हैं जो मेरे फर्स्ट एड बॉक्स में वो है आयोडेक्स। आयोडेक्स मल्टीपर्पज़ यूज़ होती है, इसको आप बदन दर्द के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको कहीं टांग में दर्द हो रही है, कहीं पीठ में दर्द हो रही है या किसी तरीके की मोच वगैरह आ गई है तो उस टाइम पर भी आप आयोडेक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ होती है, ये आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये है बोरोलिन। बोरोलिन होना भी आपके फर्स्ट एड बॉक्स में बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारे होंठ वगैरह फट जाते हैं अगर सीज़न ठंडा हो या होंठ वगैरह ज़्यादा ड्राई हो गए हो, स्किन ज़्यादा ड्राई हो गई हो, तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ना सिर्फ उस केस में बल्कि आप यूज़ कर सकते हैं इसको कटने या छिलने पर भी। तो ये भी एक एंटीसेप्टिक क्रीम होती है बोरोलिन, तो ये होना भी आपके फर्स्ट एड बॉक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ की तरफ अगर मैं बात करूँ जो हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में होनी है वो है विक्स का वेपोरब। सर जैसे भी मौसम बदलता है, सर्दी खांसी वगैरह हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तो उस टाइम पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं विक्स वेपोरब का, और इसको गले वगैरह में लगा सकते हैं जिससे आपको काफ़ी राहत मिलती है। तो एक छोटी चीज़ है इसका, चाहे आप एक छोटा ही पैक रखें लेकिन अपने फर्स्ट एड बॉक्स में इस पैक को आप जरूर रखें। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूं तो ये रेली स्प्रे जो होता है ये भी आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होना जरूरी है। किसी भी तरीके की मोच हो, किसी भी तरीके की बदन दर्द हो तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इंस्टेंट जो ये है आपको आराम देता है, तो ये भी होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है आपके घर के फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है स्ट्रेप्सिल्स। गले में कई बार खराश हो जाती है, जुकाम वगैरह लगता है, तो उस टाइम पे ये आपको काफ़ी ज़्यादा राहत देता है। तो 3-4 स्ट्रेप्सिल्स आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर लेके रखें तो काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलती है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट चीज़ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके जो फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर होनी चाहिए इनो। इनो जो भी हमारे को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बनती है या जब कभी हम कई बार ओवर ईटिंग वगैरह कर लेते हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गैस बनती है, तो उस टाइम पे ये हमारे को काफ़ी मदद करती है। तो उसके चाहे आप एक छोटे पाउच रखें जैसे कि मैंने ये छोटे पाउच रखे हैं, लेकिन ये आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये जो बिटाडीन का सोल्यूशन है, या आपको किसी भी तरीके की कटने छिलने या किसी भी तरीके की अगर चोट लगती है तो उस पर आप ड्रेसिंग करने से पहले इसको लगा सकते हैं, जो हमें काफ़ी राहत देता है और जख्म को जल्दी भरने में मदद करता है। तो ये भी आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।
अगली चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो जब हम ड्रेसिंग करते हैं, किसी भी तरीके की चोट वगैरह लगती है उसमें हम ड्रेसिंग करते हैं, तो उस टाइम पे उस ड्रेसिंग को कवर अप करने के लिए, ताकि वो ड्रेसिंग अपनी जगह पे चिपकी रहे, उस टाइम पर हम इस डॉक्टर टेप का यूज़ कर सकते हैं। छोटी ही डॉक्टर टेप आप रखें, बहुत ज़्यादा बड़ी ना रखें, ताकि घर में अगर कोई चोट वगैरह लग भी जाए तो उसमें ड्रेसिंग जब आप करें तो उस ड्रेसिंग को आप कवर अप कर दें और उसके बाद सीधा आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। तो ये होना भी आपके फर्स्ट एड बॉक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ जो है, ये चीज़ आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फर्स्ट एड बॉक्स में, ये है नेजल स्प्रे। तो जैसे ही मौसम बदलता है या सर्दी जुकाम होता है तो नाक बंद की प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम पर ये नेजल स्प्रे जो होता है आपको बहुत ज़्यादा आराम देता है। और कई बारी ये आपको जो भी सीजनल एलर्जी होती है या पोल्यूशन से आपको जो भी एलर्जी वगैरह होती है, तो उस टाइम पे भी आप अपनी नाक में इसकी दो दो बूंदें डाल सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी आराम मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे कई बारी सिर दर्द की समस्या रहती है या फिर आपको जुकाम वगैरह है, तो उस टाइम पे आप ये झंडू बाम, जहाँ पे भी आपको पेन वगैरह होता है, अगर हेडेक वगैरह हो रहा है, तो उस टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसकी एक छोटी सी स्टिक ली है, बट आपके पास भी आपके फर्स्ट एड बॉक्स में एक छोटी स्टिक होना इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ आपके पास होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हमारे को फीवर वगैरह होता है, वॉमिटिंग वगैरह होती है, तो जिसकी वजह से हमारे को काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन को कवर अप करने के लिए आपके पास ORS या फिर इलेक्ट्रोल कोई सा भी आप ले सकते हैं, दोनों ही कारगर होते हैं, तो किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। ये होना आपके फर्स्ट एड बॉक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पास होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ये है गर्म पट्टी। तो कई बारी मोच आ जाती है, कई बारी सूजन होती है किसी भी पार्ट में बॉडी के, या काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, तो उस टाइम पर आप इस गर्म पट्टी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये गर्म पट्टी आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं मेडिसिन की, तो मेडिसिन कौन कौन सी होना ज़रूरी है आपके फर्स्ट एड बॉक्स में, वो भी मैं साथ के साथ आपको दिखाता चलता हूँ। तो इनो के साथ साथ अगर आपको कोई गैस्ट्रिक की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या खट्टे डकार वगैरह आते हैं, तो उस टाइम पर आप ये डाइजीन का एक पत्ता अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। आपके फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर बैंडेड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई बार छोटे मोटे कट लग जाते हैं जिन पर ड्रेसिंग की जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन उनको कवर अप करना होता है ताकि वो ज़्यादा खराब ना हो और जल्दी से जल्दी हील हो जाएं। तो उस केस में आप इसमें अपने फर्स्ट एड बॉक्स में बैंडेड को रख सकते हैं। और दवाइयों की अगर मैं बात करूँ तो मस्ट हैव दवाइयाँ जो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए वो है, सबसे पहले एक आप पैरासीटामोल रखें, किसी भी कंपनी की रख सकते हैं। तो मैंने जो अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखी है वो आप यहाँ पे देखेंगे, पैरासीटामोल डोलो जो है 650 को आप ले सकते हैं, और किसी भी अलग अलग तरीके के ब्रांड के नाम से ही आती है, तो आप उसको जरूर अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखें। इसके साथ साथ मैंने इसके अंदर एक रखी है कॉम्बी फ्लेम काफ़ी ज़्यादा पेन रिलीफ में मदद करती है। कई बार हमारे को बॉडी पेन होता है या कई बार ज़्यादा अगर हम थक जाते हैं उस टाइम पे हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन चाहिए होती है, तो उस टाइम पे भी हम एक गोली, अगर हमें पेन हो रहा है बॉडी में, तो उसमें ये कॉम्बी फ्लेम जो है काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। किसी भी तरीके की सीजनल एलर्जी से बचने के लिए आपके पास आपके फर्स्ट एड बॉक्स में सिट्राजिन जरूर होनी चाहिए। तो जो भी सीजनल चेंज होता है और उसमें हमें एलर्जीज होती हैं या सर्दी जुकाम होना शुरू होता है, तो उस टाइम पर आप उसकी एक गोली ले सकते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंटली रिलीफ ये देती है। हेडेक वगैरह से बचने के लिए अगर आप कोई मेडिसिन लेना चाहते हैं तो आप सेरिडोन या डिस्प्रिन अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे डिस्प्रिन रखी हुई है, तो आपको भी ये जरूर रखनी है अपने फर्स्ट एड बॉक्स में। इसके अलावा वॉमिटिंग की आप कोई भी गोली ओवर द काउंटर केमिस्ट से जाके ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने वॉमिटिंग की जो भी मेडिसिन रखी है वो ऑनडेम है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने एक ब्रूफिन रखी है, अगर कोई बॉडी पेन वगैरह होता है तो उसमें इंस्टेंट रिलीफ के लिए ये ब्रूफिन आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, ये आपके घर में अगर फर्स्ट एड बॉक्स है तो ये मस्ट हैव चीज़ें हैं जो आपके घर में होनी ही चाहिए। वीडियो को एंड करने से पहले आपको ये भी बता देता हूँ कि इस तरीके की ये सारी की सारी जो कंटेंट्स मैंने अभी आपको दिखाए कि उस वो उन सबको अगर आप परचेज करते हैं तो ओवरऑल कॉस्ट ऑलमोस्ट कितनी आती है, तो करीबन 400 से 500 रुपीज़ के अंदर आपको ये सारी की सारी मेडिसिन, सारी की सारी ऑइंटमेंट्स और जितने भी ये पट्टी वगैरह मैंने आपको सारी दिखाई ये अवेलेबल हो जाती है। तो कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली आपको ये सारी की सारी दवाइयाँ या ये सारे के सारे ऑइंटमेंट्स वगैरह नहीं पड़ेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप इस बॉक्स की भी बात करें तो ये बॉक्स भी आपको अमेजोन पे ईजिली मिल जाता है और इसकी कॉस्ट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको अमेजोन के अंदर अगर आप सेल वगैरह में लेंगे तो आपको 150 से 200 रुपीज़ के आसपास पड़ जाता है, लेकिन इसके अंदर आप अपनी सारी की सारी दवाइयों को एक ही जगह पर आराम से कॉम्पैक्ट करके रख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये हैंडल वगैरह भी इसमें मिल जाता है जिसको आप इजीली कहीं पर अगर आप कैरी भी करते हैं, अगर ट्रैवल वगैरह भी कर रहे हैं या किसी एक जगह से दूसरी जगह पर भी लेके जाना चाहते हैं तो इजीली लेके जा सकते हैं। तो वीडियो आपने देख ही लिया होगा, अगर आपके मन में अभी भी इस मेडिकल एड बॉक्स से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर जाकर हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।